हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी ट्रिपल एससी असेंबली एंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्पेशल करंट अफेयर। जी हाँ, इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी ट्रिपल एससी असेंबली एंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए करंट अफेयर। यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें देखने को मिलता है कि जो करंट अफेयर है पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है, लेकिन हम इस वीडियो में कवर करेंगे पिछले 8 महीने का करंट अफेयर, जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। दूसरी बात, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये देखा जाता है कि यूपी का जो करंट अफेयर होता है ज़्यादा पूछा जाता है, भी पूछा जाता है, और जो जनरल करंट अफेयर होता है वो भी पूछा जाता है। 50-40-60 का रेशियो रहता है, तो उस इसी को हम देखते हैं। इसमें यूपी का करंट अफेयर, स्पेशल यूपी का करंट अफेयर और जनरल करंट अफेयर सभी कवर किए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है ये है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2017 किसे प्रदान किया गया। तो ये जो भारत भारती सम्मान है, ये भारत सरकार सॉरी उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ये दिया गया है डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फरवरी 2018 को अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव हुआ 2018 में, ये आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खारी खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 3, वह राज्य जहां हाल ही में एक जिला एक उत्पाद परियोजना का प्रारंभ किया गया वो कौन सा है। तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश के राज्य के कानपुर शहर से रामनाथ कोविंद ने एक जिला एक उत्पाद परियोजना का प्रारंभ किया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वह शहर जहाँ अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश है तो विकास है नामक मुक्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है। तो प्रकाश है तो विकास है, ये योजना लॉन्च किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसमें जो गरीब तबके के लोग होंगे उनको बिल्कुल मुफ्त में बिजली कनेक्शन और बिजली दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश स्थित रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया वो कौन सा है। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का अब नया नाम रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए। दूसरी सबसे बड़ा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि इलाहाबाद शहर का नया नाम क्या रखा गया। तो इलाहाबाद शहर का अब नया नाम रख दिया गया है प्रयागराज। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने गंगा हरितिमा यानी कि गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ किया है। तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य ने गंगा हरितिमा या गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ किया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अब चलते हैं हम जनरल करंट अफेयर की तरफ। ये करंट अफेयर वो है जो पिछले 8 महीने का करंट अफेयर, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ये है कि ऋतु बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है तेलंगाना सरकार द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी। दूसरी बात, मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट या जीके बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनको भी याद रखना है। तो तेलंगाना जो राज्य है उत्तर भारत का 29वां यानी कि आखिरी राज्य है, जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से कटकर नया प्रदेश बना था। तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं उनका नाम ESL नरसिम्हन। और तेलंगाना की जो ऑफिशियल भाषा है वो है तेलुगु, और दूसरी जो ऑफिशियल भाषा है उसका नाम है उर्दू। सॉरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो ये नियुक्त किए गए हैं अक्षय कुमार। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के हाल ही में नए प्रधानमंत्री भी नियुक्त किए गए चुने गए हैं, जिनका नाम है क्रिकेटर इमरान खान। इनकी पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी कि जिसको बोलते हैं PTI। पाकिस्तान की जो मुद्रा है उसका नाम पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की जो राजधानी उसका नाम है इस्लामाबाद। तो ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम को किस दूरसंचार कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
एमसी मैरी कॉम को अभी नियुक्त किया गया बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए का 2 साल के लिए का 2 साल का के लिए ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी एमसी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि एमसी मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके जो एमडी यानी प्रबंध निदेशक है उनका नाम है अनिल श्रीवास्तवा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 7 से 9 सितंबर 2018 के मध्य द्वितीय विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो जो द्वितीय विश्व हिंदू कांग्रेस था इसका आयोजन किया गया शिकागो, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी। ये जो विवेक स्वामी विवेकानंद जी ने 13 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व हिंदू सम्मेलन को संबोधित किया था, उसी का 150वीं वर्षगांठ थी, उसी के उपलक्ष्य में ये द्वितीय विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन किया गया शिकागो में। इसमें जो भारत की तरफ से गए थे उनका नाम था एम वो थे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, और जो शिकागो शहर है अमेरिका का एक शहर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 किस खिलाड़ी को वर्ष 2018 के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, लेकिन अब ये दे दिया जा चुका है, तो ये दिया गया है 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एस मीराबाई चानू और विराट कोहली को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी। भारत में खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वो माना जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद रखना है कि 2018 का जो खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो दिया गया है मीराबाई चानू एवं विराट कोहली को। सॉरी अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में जारी ब्रांड्स टॉप 75 की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 5वें वर्ष देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड किसे घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया HDFC बैंक को, HDFC बैंक। यहाँ से इसका कुछ ये बन सकता है कि HDFC का फुल फॉर्म क्या है, तो HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय वो है मुंबई में, इसके जो CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर उनका नाम है आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में कौन सी कंपनी 8 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई, तो 8 लाख करोड़ रुपए की बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका मुख्यालय है मुंबई और इसके जो CEO हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में US ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का महिला एकल खिताब नवोमी ओसाका ने किसे पराजित कर जीता, यानी कि जो US ओपन ग्रैंड स्लैम हुआ उसमें महिला एकल खिताब में को नवोमी ओसाका ने जीता, तो आपको बताना कि नवोमी ओसाका ने किसको हराया, तो नवोमी ओसाका ने हराया सरेना विलियम्स को। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सरेना विलियम्स कहाँ की खिलाड़ी हैं, सरेना विलियम्स अमेरिका की खिलाड़ी हैं, नवोमी ओसाका जापान की खिलाड़ी हैं, और जो ओपन US ओपन ग्रैंड स्लैम था ये किससे संबंधित था, ये टेनिस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हाल ही में जारी फॉर्च्यून की चेंज ऑफ द वर्ल्ड सूची 2018 में किस भारतीय कंपनी को पहला स्थान प्रदान हुआ है, तो फॉर्च्यून आपकी चेंज ऑफ द वर्ल्ड सूची में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ वो स्थान वो प्राप्त हुआ रिलायंस जियो कंपनी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 हाल ही में कौन से देश को माइकल नामक तूफान की वजह से भारी मात्रा में जानमाल की हानि हुई, तो जो माइकल नामक तूफान आया था ये आया था अमेरिका देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। अमेरिका की जो राजधानी उसका नाम है Washington DC, अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो विदेश मंत्री उनका नाम है माइक पोम्पियो। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 किस देश की सरकार ने हाल ही में मौत की सजा को समाप्त करने की घोषणा की है, तो जो मौत की सजा है ये समाप्त करने की घोषणा की है मलेशिया की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, मलेशिया की जो मुद्रा है उसका नाम है
मलेशियन रेगेट, मलेशिया के जो राष्ट्रपति उनका नाम है माथिर बिन मोहम्मद। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्तमान में पूरी दुनिया में किस देश के जो राष्ट्रपति हैं सबसे बूढ़े हैं, तो ये है मलेशिया देश के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद माथिर बिन मोहम्मद, वो दुनिया के सबसे बूढ़े राष्ट्रपति हैं, इनकी उम्र है 92 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसे हाल ही में आईडीबीआई बैंक के नए सीईओ व एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आईडीबीआई बैंक के नए सीईओ और एमडी बने हैं राकेश शर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी। दूसरी बात, यहाँ से बहुत बार पूछा जा चुका कि आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या, तो आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है मुंबई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है जापान का, यानी कि क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर है सी। इस रिपोर्ट के अनुसार पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में जापान का जो पासपोर्ट है नंबर 1 पे रहा, और नंबर 2 पे सिंगापुर और जर्मनी का रहा। जो भारत का पासपोर्ट इंडेक्स जो रैंकिंग रही वो रही 66। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, नंबर 1 कौन रहा, जापान, नंबर 2 सिंगापुर और जर्मनी, और भारत की जो रैंकिंग रही वो 66। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य सरकार ने हाल ही में SC ST समुदाय के व्यापारियों की मदद के लिए उन्नति योजना की शुरुआत की है? तो उन्नति योजना जो है ये शुरुआत की कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, इनका नाम है एच डी कुमार स्वामी। कर्नाटक की जो राजधानी उसका वो है बेंगलुरु, और कर्नाटक के जो राज्यपाल उनका नाम वाजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और भारत की स्पेस सिटी के भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु शहर में, इसीलिए इसको बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्माण कुसुमा नामक योजना की शुरुआत की है? तो ये जो निर्माण कुसुमा योजना है ये शुरुआत की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा, और उड़ीसा की जो राजधानी उसका नाम है भुवनेश्वर, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नवीन पटनायक, और उड़ीसा के जो वर्तमान में राज्यपाल उनका नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल। दूसरी सबसे बड़ी बात, उड़ीसा में 26 नवंबर से 14 दिसंबर तक विश्व पुरुष हॉकी का खेल खेला जाएगा भुवनेश्वर के, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में। तो ये आपको याद रखना है कि 2018 का पुरुष विश्व हॉकी कप कहाँ खेला जाएगा, तो 2018 का पुरुष विश्व कप हॉकी खेला जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 27वें सरस्वती सम्मान के लिए किसको चुना गया? तो ये चुना गया सितांशु यश चंद्र को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2018 का संचालन किया गया? तो जो हरिमाऊ शक्ति 2018 है ये संचालन किया गया भारत और मलेशिया के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में दादा साहब फाल्के फाउंडेशन ने किस वर्ष ने वर्ष 2018 के लिए दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2018 से सम्मानित किया? तो जो 2018 का दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड है ये दिया गया अनुष्का शर्मा को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन भारतीय बैडमिंटन संघ जिसको कहते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किसे 2017-18 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो 2018 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट विराट कोहली को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है डी। यहाँ पे बात हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है वो जो रेगुलेट किया जाता है, वो रेगुलेट किया जाता है आईसीसी द्वारा। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है वो एक भारतीय है जिनका नाम है शशांक मनोहर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे प्रदान किया गया? तो 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज प्रदान किया गया ओल्गा टोकारजुक को, यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर वो है बी। क्वेश्चन नंबर 24,
केंद्र सरकार ने किसे भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंश्योरेंस, IRDAI, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद शहर में, और इसके जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है सुभाष चंद्र कुंटिया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मई 2018 के मध्य रेल कोचों तथा ट्रेनों के सेटों पर फोकस करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो या ये मेला कहाँ आयोजन किया गया? तो ये आयोजित किया गया भारत के चेन्नई शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आईफा 2018, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2018 के पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आईफा 2018 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया ये दिया गया तुम्हारी सुल्लू नामक फिल्म को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि आईफा 2018 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि जालंधर पंजाब में है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2018 का आयोजन किया गया मणिपुर, इम्फाल मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2018 के खिताब को किसने की विजेता कौन है? तो इसकी विजेता है अनुकृति व्यास, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निक्की पुरस्कार एशिया पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में फ्रांस ने 20 साल बाद फुटबॉल विश्व कप जीता, जिसमें किसे गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया? तो अभी अभी फीफा विश्व कप रूस में खेला गया, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस क्वेश्चन में मैंने 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन एक क्वेश्चन में कवर किया है, तो उन सबको आपको ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया हैरी केन को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो गोल्डन बूट अवार्ड होता है उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा गोल करता है, तो ये सबसे ज़्यादा गोल किए थे फीफा 2018 में, जो थे 6 गोल। दूसरा क्वेश्चन, गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? तो गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया लुका मैड्रिक को, जो कि क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया थिबॉट क्वर्टियस को, जो कि बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, यंग प्लेयर का खिताब किसे दिया गया? तो ये दिया गया केलियन एम्बापे को, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी किसने जीता? तो ये दिया गया स्पेन की टीम को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। IAAF अंडर 2018 एथलेटिक चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता हिमा दास ने। हिमा दास भारत के असम प्रदेश की खिलाड़ी, इनको ये नगाव असम के नगाव डिस्ट्रिक्ट से हैं। दूसरी बात, इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ढींग एक्सप्रेस के नाम से कैसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हिमा दास को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को। अगला क्वेश्चन, IPL 2018 की विजेता टीम कौन है? तो IPL 2018 की विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न 72वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2018 में संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी 2018 जीता केरल की टीम ने। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 32। हाल ही में संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता ऊबर कप 2018 का खिताब किसने जीता? तो ऊबर कप 2018 जीता जापान की टीम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से सम्मानित किया? तो जो बंग विभूषण सम्मान है, बंगाल बंगाल सरकार का सबसे प्रतिष्ठित सरकार जो पुरस्कार है वो माना जाता है, ये दिया गया सिंगर आशा भोसले को। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में यहूदी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया? तो यहूदी समुदाय को अल्पसंख्यक का जो दर्जा प्रदान किया गया वो प्रदान किया गया गुजरात राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसा करने वाला ये गुजरात कौन सा राज्य है? तो ऐसा करने वाला गुजरात तीसरे नंबर का राज्य बना है। इससे पहले पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र यहूदी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर चुके हैं। गुजरात की जो राजधानी है वो है अहमदाबाद शहर, सॉरी गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम है विजय रूपाणी। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2018 के मध्य 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो संस्कृत सम्मेलन विश्व संस्कृत सम्मेलन होता है ये क्यों मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है पूरी दुनिया में जो संस्कृत भाषा है उसके प्रचार और प्रसार के लिए। तो इस साल का 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन आयोजित किया गया वैंकूवर शहर में, जो कि कनाडा देश में है। इसमें जो भारत की तरफ से भाग लेने गए थे वो थे भारत के मानव विकास संसाधन मंत्री, जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 36, प्रसिद्ध उपन्यासकार माइकल ओडांटजे को उनकी किस रचना के लिए गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये थी उनकी पुस्तक का नाम द इंग्लिश पेशेंट। द इंग्लिश पेशेंट के लिए माइकल ओडांटजे को गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, देश का पहला खादी माल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो जो देश का पहला खादी माल है ये स्थापित किया जाएगा झारखंड राज्य में, और झारखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम है रघुवर दास, यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और झारखंड की जो राजधानी है उसका नाम है रांची। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, यूनेस्को की विश्व धरोहर संबंधी वैश्विक समिति ने भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है मुंबई के विक्टोरियन एवं आर्ट डेको इंसेबल को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस शहर में, फ्रांस के पेरिस शहर में। अगला क्वेश्चन, महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 का खिताब किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने जीता? तो जो इस साल 2018 में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट खेला गया ये जीता बांग्लादेश की महिला टीम ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से कि जो महिला T20 टूर्नामेंट है ये जीता बांग्लादेश की टीम ने, किस तो फाइनल में हराया किसको? तो फाइनल में जो हराया वो हराया भारत की महिला क्रिकेट टीम को। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया ये फाइनल कहाँ हुआ? तो ये फाइनल हुआ था मलेशिया शहर के, मलेशिया देश के कुआलालंपुर शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस यूनेस्को धरोहर के चित्र को 100 रुपये के नए नोट पे जारी किया है? तो जो 100 रुपये का नया नोट है उस पे जो चित्र बना है वो बना है रानी की वाव। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ए, रानी की वाव अहमदाबाद शहर की एक बिल्डिंग है। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में यूपीटर प्लस सी असेंबली और फॉरेस्ट गार्ड में आ सकते हैं। तो ये था इसका पार्ट वन। इसके बाद मैं अगले 50 क्वेश्चन का कवर करूंगा पार्ट टू में। तो वो अगर ये दोनों वीडियो देख लेते हैं जिसमें टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100, तो इससे बाहर कोई भी आपका करंट अफेयर सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये यूपीटर प्लस सी असेंबली एंड फॉरेस्ट गार्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दूसरी बात, ये आपको एक क्वेश्चन लिखा दिख रहा होगा कि प्रकाश है तो विकास है नामक मुक्त घरेलू बिजली कलेक्शन योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? तो इसके 4 ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगला इसका पार्ट टू आपको कल वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।
और दूसरी बात, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको नीचे रेड बटन दिख रहा होगा उस पर प्रेस करके इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब कल दूसरा वीडियो इसका पार्ट टू अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई आपका वो वीडियो मिस ना हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।